मैं शिक्षा विभाग में दायित्व लेने के बाद पहला प्रश्नोत्तर आया था लोकसभा में। नई शिक्षा नीति में हमारा सांसद मित्रों तो धुरंधर होते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो मैं पिछले साल जब वर्षा सत्र में 2022 में वर्षा सत्र में 21 में दायित्व लिया, तब एक प्रश्न आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों के लिए शिक्षक नियुक्ति की क्या तैयारी। मैं मित्रों सच में कहूं, मैं खुद अनभिज्ञ था डिसलेक्सिया क्या है। फिर जब मेरे ब्रीफिंग हुई, मेरे को हमारी एक अधिकारी मित्र ने बताया कि वो जो आमिर खान की पिक्चर है तारे जमीन पे, वही है डिसलेक्सिया। मैं तो बोला कलाकार है तो अच्छा क्या था उस भूमिका में। बोला हाँ, भगवान एक आधा विधा किसी को कम देती है तो 6 विधा ज्यादा दे देती है। अभी किसी और एक समीक्षक ने मेरे को कहा कि ऐसे जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनको दिव्यांग कहा, ये दिव्यांग उनके पास है, हमारी ना समझ हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। उनके संविधान सुरक्षा दिया है, आप में से बहुत महानुभव उसमें काम कर रहे हो, उनके अधिकार के बारे में मित्रों, अभी पंच प्राण के बारे में प्रधानमंत्री जी बात करते हुए कहते हैं देश को अभी आजादी के 75 साल के बाद कर्तव्य बोधता की ओर जाना चाहिए। मित्रों किसी की अधिकार तब पूरा होगा जब किसी ने कर्तव्य पूरा करेगा। अगर हम कर्तव्य अपना पूरा करते हैं तब हम 25ों के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। आज आपने कर्तव्य वहन करने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं आपके सभी के सामने। मैं तो मानता हूं कुछ एक चल मानपत्र, एक साल और एक स्मृति फल, ये आपके कामों के लिए बहुत ही कम है। आप सभी के सामने अगर मानपत्र ही पाना, स्मृति चिन्ह ही पाना, गुलदस्ता और साल लेने की सिर्फ इच्छा रहती तो आपके सामने और बहुत सुविधाजनक ऑप्शन भी था, आपने उसको नहीं चुना। मैं अभी किसी ने जैसे मेरे को कहा कि जिनको भगवान ये जो मैजिक की दुनिया में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैजिक को इनोवेशन मानते हैं, कोई किसी को अभी किसी ने मेरे को एक कोर्स दिखाया, एक चित्र में हमने जादुई पिटारा लाया है। प्रारंभिक बच्चों की शिक्षा के लिए एनसीईआरटी ने जादुई पिटारा बनाया है, उसमें एक चित्र हमको ऐसे एक बोर्ड में दिखाया, एक प्रकार से सजाओ तो उसमें 15 मेंढक है, कोई वाद्य के साथ जोड़ के उसको कहा है 15 मेंढक है, थोड़ा उसकी सीक्वेंस बदल देते हैं वो गिनती में 14 हो जाता है। मैंने कहा जादू है ये मैजिक है। बोला इसको मैजिक क्यों कहते हो? बोला मैजिक इनोवेशन है, दिव्यांग बच्चों को नंबर सिखाने के लिए 1 से 15 गिनाने के बजाय अगर हम उनको कोई चित्र में, कोई कहानी में, कोई संगीत में, कोई नाटक के माध्यम से गणित यानी संख्या और भाषा की ज्ञान दे पाएंगे तभी तो सही होगा। मित्रों कहा जाता है जिन बच्चों की कुछ बाधा है, कुछ डेफिशिएंसी है, वो बच्चे सबसे ज्यादा जादूगर होते हैं, यानी वो इनोवेटर है। मूल चैलेंज हमें उनको पहचानने की आवश्यकता है। और आज आपने हम प्रतिबद्ध है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, अभी हमको आदरणीय रियाल जी ने कहा कि हम आगे मिलेंगे। मैं आप सभी को निवेदन करता हूं जो लोग लोकसेवक मंडल से जुड़े हुए हैं सभी लोग इकट्ठा होके मैं एनसीईआरटी को काम दूंगा। आप सभी के साथ जो आज जो पुरस्कार जिनको मिला, यानी आपके कामों को सम्मान मिला, आप उस विधा के दक्ष हो, ये सब मिलकर हमें परामर्श दीजिए भारत की इनकी संख्या कितना है। किसकी संख्या किसी ने मेरे को बताया
ये लोग 8 से 10 करोड़ हैं, कम बेसिक किसी ना किसी के पास कुछ चीज है। पर आज विज्ञान की दुनिया में भारत अगर 2040 तक विकसित होके ही रहेगा तो मैं इन 8 करोड़ बच्चों को पीछे छोड़ के सपना भी नहीं देख सकता। 8 करोड़ बच्चे, और उस 8 करोड़ का उदाहरण तो हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, उड़ीसा की एक आदिवासी वंचित वर्ग की कवि जो दृष्टिबाधित थे, उन्होंने एक पंक्ति लिखा मानवता के ऊपर संवेदनशीलता के आधार पर, जिसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया, कितने दुनिया की कष्ट को दिखते हुए मैं उसको सहूं कैसे, मैं नहीं सह सकता हूं। वो फिर आगे कहते हैं कि मेरे जिंदगी खराब हो जाए, मेरे जिंदगी नरक को चले जाए, लेकिन हे प्रभु इस दुनिया को आप उद्धार करो। इसी का नाम तो है वसुधैव कुटुंबकम। जब आपकी पीड़ा मेरे को पीड़ित प्रभावित करेगा, मेरे कष्ट आपको प्रभावित करेगा, तब तो हम परिवार होंगे। एक दृष्टिबाधित कवि उड़ीसा में सदियों पहले लिखा था, दुनिया मेरा परिवार है, दुनिया की कल्याण होनी चाहिए, मेरे ऊपर सारे बोझ आ जाइए। ये तो कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति था। इसलिए 7 करोड़ बच्चों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तभी जाके भारत विकसित हो पाएगा। मैं आज के कामों में जो लोग सब जुड़े हैं हमारे साथ, संजोग से स्किल डेवलपमेंट विभाग भी है, मैं इसके एक प्रारंभिक शिक्षा, देश में लगभग 30 करोड़ बच्चे हैं स्कूल और कॉलेज मिला के, स्किल इकोसिस्टम को मिला के। मित्रों, आने वाले अमृत काल में हम ऐसे ही व्यवस्था करें, ये सारे दिव्यांग बच्चे, और इतिहास साक्षी है, सभ्यता में अनेक अद्भुत पूर्व सृजन, अकल्पनीय सृजन, अनइमेजिनेबल हिमालयन लाइक वंडर्स, ये तथा कथित विकलांग बच्चे, इसको प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग का उन्हीं के माध्यम से हुई है। इसीलिए मैं फिर लोक सेवक मंडल को अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूँ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।